बसपा शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी नेता एटा से एमएलसी रहे चौधरी अवधपाल सिंह यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधपाल सिंह यादव ने हिंदी खबर से खास बातचीत भी की। हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी में 3 बार मिनिस्टर रहे और कई बार एमएलसी रहे अवधपाल सिंह यादव जी, हम बात करेंगे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सर, भाजपा में वापसी जी कैसे? मैं 1995 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी में रहा था, पहले भी, और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैंने 1998 में एटा मैनपुरी मथुरा एमएलसी सीट जीती थी। मेरे से पहले कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का वहाँ नहीं जीता एमएलसी, और न बाद में जीता। उसके बाद मेरा भाई चंद्र प्रताप सिंह यादव, ये भी एमएलसी वहाँ से मैंने बनवाया। मैं अलीगंज विधानसभा से 3 बार एमएलए रहा हूँ, 1991 से लेके 3 बार एमएलए रहा हूँ, 1 बार एमएलसी रहा हूँ। मेरा भाई एमएलसी रहा है। मेरे पिताजी 1967 से 89 तक 4 बार एमएलए रहे हैं अलीगंज से। अलीगंज हमारी विधानसभा है और अगल बगल के ज़िलों पर भी जो है हमारे परिवार का अच्छा प्रभाव रहा है। प्रमुख रूप से ये जो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमारे परिवार के लोगों पर जो है पहली सरकार में भी तमाम झूठे मुकदमे लगाए, और अभी 2002 पहले 2003 से लेके 2007 के बीच जो सरकार रही थी उसमें तमाम झूठे मुकदमे लगाए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए थे, और 2012 से 2017 की सरकार में भी हमारे परिवार पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर हजारों की तादाद में झूठे मुकदमे लगाए, एक एक कार्यकर्ता पर 12-12 18-18 तक मुकदमे लगाए। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इकट्ठा होने के बाद हम उसमें किसी भी कीमत पर रहने को तैयार नहीं, इसलिए हमने जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा। सर, अभी चुनाव चल रहे हैं, आज पहले चरण का मतदान जो है वो पूरे होने की स्थिति में है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या गठबंधन जो ये हुआ है सपा बसपा का, बुआ बबुआ का, कुछ रंग लाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और थोड़ा बहुत तो असर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव जी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस गठबंधन सपा बसपा विकास न होने के नाम पर चुनाव बहिष्कार की खबर तो आपने देखी ही होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कासगंज की, जहां बंदरों और आवारा गाय को लेकर लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही। मामला कासगंज के गांव रामपुरा का है, जहां किसान बंदरों और आवारा गाय से काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि फसल मेहनत से लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ फसल की गायों को झुंड और बंदर बर्बाद कर देते हैं। स्कूल जाते समय कई बार बच्चों को बंदर काट भी चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन समस्या जस की तस है। 22 अप्रैल तक हमारी समस्या का हल नहीं निकला तो हम ग्रामवासी 23 अप्रैल को वोट डालने नहीं जाएंगे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।